तो जी हमारे पास एक मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है, इसको WD-40 बोलते हैं। ये WD-40 बहुत सारे काम में इस्तेमाल होती है। अगर आपने कोई ऐसे नट बोल्ट खोलने हैं जो खोल ना रहा हो, जिनको जंग लगा हो, उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं कि बहुत कुछ लिखा हुआ है जिन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो थ्रेड्स जिनको पानी की वजह से जंग लगा चुका होता है, इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको पानी की वजह से जंग वगैरह लग जाता है तो उनके टूटने का ख़तरा होता है, लेकिन हमें उनको बचाना भी होता है, तो उनके लिए हम WD-40 वगैरह का इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको लगा कर तकरीबन 20-25 मिनट छोड़ दिया जाता है इसका स्प्रे करके किसी नट बोल्ट वगैरह पे, तो बाकी ये जंग वगैरह को उतारने के भी काम आती है। इन खसूसियात के साथ साथ ये प्रोडक्ट बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है, बस हल्की सी चिंगारी को भी पकड़ लेता है और ये आपका शोला बन जाती है। इसलिए इसको इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि वहाँ जहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करें वहाँ पर आग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये जंग वगैरह को भी आसानी के साथ रिमूव कर सकती है। आप ये घरेलू तौर पे भी इस्तेमाल होती है और कमर्शियल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँख वगैरह से इसको बचाना चाहिए, आँख वगैरह में गिर जाती खतर नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसानी अज़ा हैं तो उनका कोई नियमल बदल नहीं, तो एहतियात करनी चाहिए। इसको मैंने इसका कैप खोल लिया तो इसके ऊपर एरो का निशान इस चीज़ की निशानदाही करता है कि इस हेड पे ओपन जेट निकलेगा। तो आपने आँख वगैरह का एहतियात करनी है कि कहीं आँख कान वगैरह मुँह में ना गिर जाए। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जेट की सूरत में WD-40 मतलूबा चीज़ पर स्प्रे होना शुरू हो जाएगी।